y, बाकी हमारे पास रियल नंबर की फॉर्म में दिए गए होंगे। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, देखें 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू देखें, x के कोफिशिएंट क्या है 2 एंड 3, तो हमने लिख दिए 2 एंड 3। y के कोफिशिएंट माइनस 2 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास आ जाएगा a। अब वेरिएबल कौन कौन से हैं, x है और y है, x और y हमने लिख लिया। इक्वल्स टू, इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे हमारे पास b की वैल्यू क्या है 4 एंड 6, तो 4 और 6 आ गया। इसको हम a कहते हैं, इसको हम x कहते हैं और इसको हम b कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट सिंगुलर आता है तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि जीरो के अलावा आना चाहिए। डिटर्मिनेंट हमने लिया, टू को टू से मल्टीप्लाई किया 4, माइनस आ गया दरमियान में, और 3 को 2 से किया 6, और साथ में माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10। हमारे पास 10 आ गया, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखते हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में देखें, ए एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स फाइंड करना है, एक इन्वर्स ए इधर है, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए इन्वर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ए इन्वर्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एडजॉइंट ऑफ ए और एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों की वैल्यू चेंज करेंगे तो वो 2 2 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम करेंगे साइन चेंज, तो यहाँ पे नेगेटिव 2 था पॉजिटिव 2, और यहाँ पॉजिटिव 3 था नेगेटिव 3। ए इनवर्स हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/10 2 माइनस 3 एंड 2 आ गया। अब इस इक्वेशन के मुताबिक ए इनवर्स हमारे पास आ गया है और बी हमारे पास मौजूद है, तो हम ये इक्वेशन लेते हैं एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। एक्स क्या है हमारे पास एक्स वाई, ठीक है। ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/10 और एडजॉइंट ऑफ ए जो भी था, ठीक है, और साथ में हमारे पास बी आ। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम है नहीं इसलिए हम आगे नहीं जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, प्लस 2 मल्टीप्लाई हुआ 6 से। 4 टू टाइम्स 8, 6 टू टाइम्स 12, 4 माइनस 3 टाइम्स माइनस 12, और 6 टू टाइम्स 12। 8 प्लस 12 हमारे पास क्या हो जाएगा 20, और माइनस 12 प्लस 12 0। अब 10 को अंदर डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट्स के साथ डिवाइड होगा 20/10 एंड 0/10, 20/10 2 एंड 0/10 0। तो हमारे पास यहाँ पे x था, x क्या था, x और y क्या आ गया 2 और 0, तो x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू आ गई 0। इसी तरह हम क्रैमर रूल की तरफ चलते हैं। क्रैमर रूल में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ए एक्स है एंड ए वाई। ए एक्स अब हमें कैसे लेंगे, ए एक्स में हम क्या करेंगे, जो एक्स की वैल्यू होती है वेरिएबल एक्स की वैल्यूज, उसको हटा के उसकी जगह हमने बी की वैल्यू लगानी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी 2 एंड 3, 2 एंड 3 को हमने हटा के जो बी की वैल्यू थी 4 और 6 वो लगा दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ए एक्स। इसी तरह ए वाई बनाने के लिए हमने वाई की वैल्यू को हटा के उसकी जगह बी के, अब वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी माइनस 2 और 2, इसको हटा के हमने क्या कर दिया बी की वैल्यू लगा दी, तो ये हमारे पास क्या बन गया ए वाई। अब जो ए एक्स है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लें और जो ए वाई है उसका भी डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। उसके बाद देखें, एक्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ